जो हमारे आदमी कोई खा गया उसका हम क्या करेंगे, हमने तो सारा फेंक दिया उसका निकाल के, हमें ना चाहिए ऐसा बाबा। एक पोतो दियो राम जी ने, खुशी में चली गई, गुरु के चरण में जा रही अब चली गई। हादसे के बाद एम्बुलेंस में 2.5 घंटे बाद आई, उनको ले जा करके हॉस्पिटल पटका, तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर हमको बताया गया सांस चल रहा है, लेकिन हमें वहाँ मृत्यु मिली। मेरे जीवन की तो आधा हाथ कटा, समझो जीवन साथी चला गया, जाओ तो दुख तो मोई हुआ, पर एंड में क्या है मालिक की इच्छा, जैसे होया। एक बंदे के लिए समय मानता हूँ मैं 150 बंदे, जो भी जितने ही बंदे मरे उसके लिए मैनेजमेंट का कसूरवार मानता हूँ। मानती रहूंगी चाहे नहीं मानती रहूंगी, पर मैं जाऊंगी नहीं, तुम्हें सही बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को एक सत्संग के दौरान मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए। पुलिस के मुताबिक 80,000 लोगों को ही सत्संग में शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन वहां लाखों की संख्या में लोग जुट गए। इस कांड में पुलिस ने अभी तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है वो उस समिति का हिस्सा थे जिसने सूरजपाल यानी नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का सत्संग आयोजित किया था। सत्संग में उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और छत्तीसगढ़ के भी लोग शामिल थे। हादसे में हरियाणा की 4 महिलाओं ने भी दम तोड़ दिया, जबकि कई घायल हो गए। हमने हरियाणा के उन परिजनों से बात की जिन्होंने अपनों को खोया है। हर बार जाती, कहीं दूर दूर भी होता वहाँ पे भी जाती थी ये। हम मना करते थे, नहीं मानती। जब हमारे नाना जी थे वो मना करते, जब तो यहीं पास में ही जाती थी, मगर अब तो ये बहुत दूर दूर तक जाने लगी। इनके बेटा मना करते, नहीं रुकती ये। अब भी इनका एक पोता हुआ, मेरे पास 3 बेटी थी, उनके बाद चौथा हुआ था, 1 महीने की हुई हूँ मैं अभी बस। हमने खूब मना करी, नहीं रुकी ये, बिल्कुल भी नहीं रुकी। नहीं मैं जाऊँगी, इनके बेटे ने बोला, कहेगा मुझे खुश, ये नहीं कह रही मुझे खुशी है, मैं एक बाबा को धन्यवाद बोल के आ रही हूँ, ऐसे करके गई थी ये। उसी को मानते हैं, बाबा को मानते हैं हम तो, जिम्मेदार वही है सारा कुछ हमारा। ऐसे ऐसे बाबा से क्या मतलब हमारा, जो हमारे आदमी कोई खा गया उसका हम क्या करेंगे, हमने तो सारा फेंक दिया उसका निकाल के, हमें ना चाहिए ऐसा बाबा, उसको फांसी होनी चाहिए। मेरी बहन थी, छोटी थी, छोटो सो ही परिवार, एक ही बेटी बेटा हुआ, पूरी जिंदगी निकल गई उसकी बेचारी की, पहले ही रांड है गई, 2-2 साल के छोड़ गए थे उसके घर वाले, उसने पारे पना से पूरा जीवन निकाल दियो मेहनत मंजूरी करके। अभी बेटी बहू पाई है एक, अब थोड़ो सो सुख मिल तो, एक पोतो दियो राम जी ने, खुशी में चली गई, गुरु के चरण में जा रही अब चली गई। लीला देवी का परिवार है, उनकी बहू थी हमारे साथ, उनकी बहन थी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि किस तरह वो परिवार में इनके इनकी बहू को 3 बेटियां हुई पहले, फिर अभी एक बेटा हुआ, तो इस खुशी में उनको लगा कि जो बेटा हुआ है वो बाबा की कृपा रही है, और बाबा को धन्यवाद देने के लिए वो इस सत्संग में शामिल हुई थी, लेकिन धन्यवाद देने गई थी और वापस नहीं लौटी। उनके भाई मेरे साथ हैं, थोड़ा बताइए कि कब से बाबा से जुड़ी हुई थी। 4-5 साल पहले गई थी 1-2 बार, तो फरीदाबाद में प्रोग्राम हुआ तो उसमें गई थी, बाकी बीच में नहीं गई। अब उसका मन बना, औरतन ने कहा कि बहन जी आपको और चल रहे हैं, फिर वो उनके साथ चली गई। बाकी 20-25 लोग 30 लोग करीब यहाँ पे गए थे, बाकी बस थी 100, उसमें कुल मिलाकर 73 लोग थे। तो वहाँ गए, जाने के बाद में सत्संग में बैठे, प्रोग्राम हुआ सारा, सत्संग ख़त्म होने के बाद में जो बाबा थे, क्या नाम उनका, भोले बाबा कहते हैं, तो उनके सत्संग ख़त्म होने के बाद में वो निकल गए, वो दूसरे रास्ते गए, और लोग जो छोटा गेट था वहाँ, जो भगदड़ मचे छोटा गेट था, आगे कोई रोड के किनारे कोई नाला था छोटा, तो वहाँ बरसात का रिपटन हो गई थी, रिपट के उसमें लोग भगदड़ का उसमें गिर गए, और फिर गिरते चले गए, एक दूसरे के ऊपर गिरता चले गए, वहाँ दब के उनकी मौत हो गई। फिर वहाँ पे प्रशासन भी बहुत कम था। हादसे के बाद एम्बुलेंस में 2.5 घंटे बाद आई, और उनको ले जा करके हॉस्पिटल पटका, तो वहाँ हॉस्पिटल में कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ भी अंधेरा था, लाइट नहीं थी, ताले बंद थे, वहाँ भी 2-3 घंटा हो गए, नहीं कुछ लोग बस जाते। तो आप यहाँ से वहाँ पहुँचे तो आपकी बहन जिंदा थी? जिंदा, जो मेडिकल अलीगढ़ में मेडिकल हॉस्पिटल है
वहाँ गए थे, वहाँ पे बताए थे, साथ में लोग थे, तब उनकी धड़कन चल रही थी, लेकिन जैसे उनको दोबारा निकाला उस अंदर से व्यवस्था ना कर बाहर लोग सबको पटका उधर एक साथ में, वहाँ उसकी नाड़ी नब्ज बंद हो गई, मृत्यु वहीं पर हो गई। फिर हमको बताया गया सांस चल रहा है, लेकिन हमें वहाँ मृत्यु मिली। सत्संग तो हमारे को कोई 15 साल लगा, 15 से लगभग 15 लगा लोग। और मैं भी जाता था पहले, 5-4 साल से मैं बीमार से पर गया, फिर मैं तो गया नहीं, यही जाती थी। जो भी घटना क्रम हुआ है ये, उसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? देखो जी, एक तो ये देखा जाए तो हमारे, मतलब मैं अपनी बता रहा हूँ, मेरे जीवन की तो आधा हाथ कटा समझो, जीवन साथी चला गया जाओ, क्यों जो उम्र बड़ा बड़े बूढ़े के हिसाब से होती तो उसकी बात अलग ही, तो दुख तो मोही हुआ, पर एंड में क्या है, मालिक की इच्छा थी, जैसे होया। क्योंकि 2 दिन पहले उसको बीपी हाई हुआ था, दवाई लेके आए, 200 करीब बीपी था, हमने मैंने भी करी, लाला ने मैंने करी, मम्मी मर जाती, तबीयत खराब है, उन्होंने कहा ना मैं तो नारायण साकार हरि का सत्का साथ जाऊँगी। बाबा से कोई नाराजगी है? बाबा से मेरी आत्मा से तो कोई नाराजगी नहीं है जी, क्यों के हमारे बच्चों को तो चलो जैसे भी है, इन्हें गए भी है, पर इन्हें कोई नहीं नहीं है, पर हमें कोई नाराजगी नहीं है। हमें तो फर्क इतना है कि हमारे परिवार से एक आदमी हमारा जीवन साथी चला गया, क्योंकि उसका इस विधि लिखी थी। हरियाणा के फरीदाबाद के रामनगर कॉलोनी के बाद हम यहाँ आए हैं, जहाँ सेक्टर 22 की ये संजय नगर कॉलोनी है, यहाँ भी एक महिला की मौत हुई है। हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर वहाँ पर उस समय उस दौरान क्या हुआ था कि इतने सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कमांडो थी मैडम आप वहाँ? हम कमांडो नहीं थे, हम तो कमांडो से नीचे। अच्छा, वर्दी लगा सिस्टम समझाइए मुझे, जो मैडम गई थी आपके साथ, ये क्या थी और आप क्या थी? ये जल सेवा की कमांडो थी और हमारी कमांडो अलग है, उनका नाम है प्रवेश, जो सैनिक कमांडो की अलग कमांडो है, हम तो कमांडो से नीचे थे। आप कब से इनसे जुड़ी हैं? इनसे हमें जुड़े गए सन 2000 से। 2000 जी, बहुत लंबा वक्त हो गया। अरे 2000 तो हम अपने बात से कह रहे हैं, 1-2 साल तो हमारे पीछे ही बीत गए खेलते कूदते, कुछ जान नहीं पाया, कुछ हंसी खेल में ही निकाल दिया, कुछ समझ नहीं, जब समझे कुछ जाना, जब हम सन 2000 से पक्के हो गए इनके शरण। सब अपने गुरु का नाम लेते हैं, मैं नहीं मानता, बट मेरी मम्मी पापा दोनों जाते थे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, हर एक बंदा गुरु का नाम लेता है, पर अंधविश्वास मत करो। अगर ये बोलते हैं कि संगत का कसूर है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। जब आप करवा रहे हो, जब आपने परमिशन ली 10,000 बंदों की, 20,000 की, वहाँ पे 1.5 लाख बंदा कैसे खड़ा है? अगर 1.5 लाख खड़ा है, उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट करनी चाहिए साथ के साथ। जब आपको दिख रहा है कि रास्ता ऐसा हो रहा है, कोई भी इंसिडेंट हो सकता है, प्रिकॉशंस आपको पहले लेके चलने चाहिए ना इस चीज़ की। बारिश ऐसा थोड़ी कि ऑन द स्पॉट बारिश हुई है, बारिश तो चल ही रही है ना वहाँ पर, तो आपको पहले से प्रिकॉशन से सारी चीज़ें लेके चलनी चाहिए। अब एक बंदा मरे, अब कह रहे समय आया था, समय एक बंदे के लिए समय मानता हूँ मैं 150 बंदे जो भी जितने ही बंदे मरे उसके लिए समय का कसूरवार नहीं मानता, उसके लिए मैनेजमेंट का कसूरवार मानता हूँ। जो वहाँ पे मैनेजिंग कर रही थी, संगत कर रही थी, वहाँ के सेवादार कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। जिनके दर्शन के लिए गए वो एक बार भी मुड़ के नहीं आए। एक बार शकल देखने आते, कितने बंदे मरे हैं, कितने, अभी तक वो नहीं है। तो क्या यही आरती है जो होती सुबह शाम आपके घर पे? हाँ जी, यही मम्मी पापा अपना इसी कमरे में नाम लेकर ये आरती करते थे और अपना खाना उसके बाद ग्रहण करते थे, उसके बाद सुबह शाम। बाबा की कोई कमी नहीं, बाबा तो चले गए थे ना वहाँ से, बाबा तो चले गए। अब पब्लिक पीछे से जाके वो भागती है और दौड़ती है, तो बाबा क्या करेंगे? अब हमारे ही पीछे अब पब्लिक भागती है तो हम क्या कर लेंगे? अब जाएंगे या नहीं जाएंगे सत्संग में? देखो जी, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, जब बाकी कमी नहीं है तो मैं जाऊंगा भी, वो नहीं है ना भी जाऊं। ये सरोज देवी का घर है, उधर सरोज देवी की जो मृत्यु हुई है उनकी तस्वीर लगी है यहाँ पर, और उसके ठीक सामने यहाँ साकार बाबा की तस्वीर लगी है, उस पर लिखा है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। तो ये तस्वीर अभी भी यहाँ पर मौजूद है, हालांकि जिन्होंने ये तस्वीर लगाई थी सरोज जी, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इतनी सारी मौतें हुई, इसका गुनहगार किसे समझती हैं आप? कौन है इसका गुनहगार?
अब क्या पता है भाई कौन देगा, अभी तो जो कहते हैं कि छह पकड़ गए, अभी तो उसी की तलाश में घूम रहे हैं अभी। बाबा आपको लगता है बाबा भी दोषी हैं इसमें या बाबा? ये तो मुझे ये हमको नहीं पता है भाई, हमको नहीं पता है। जल्दी ही है मेरे साथ, ये भी उस सत्संग में शामिल हुई थी। यहाँ दो महिलाओं की मौत हो गई है, लेकिन ये किस्मत वाली हैं, बचकर आ गई। उस दिन क्या हुआ था 2 तारीख की दोपहर में, वो थोड़ा बताइए मुझे। हम सत्संग करके आ रहे, आरती वंदना हो गई। आरती वंदना एक नहीं मतलब पब्लिक एकदम खड़ी हो गई है, खड़ी एक नहीं मतलब चल रही है, मतलब रोका नहीं खाया पब्लिक ने। तो एकदम नीचे ऐसी गहराई नीचे आई, नीचे तो सारे लोग एकदम गिर गए, सारे गिर के नहीं, फिर सारे खेत की खाई थी वो। हाँ, खेत की खाई थी, मतलब गिरते ही चले गए, तरह ऊपर तरह मतलब गिरते ही चले गए, उठ ना पाए, मतलब उठवे की कोई ऐसी संभावना नहीं कि हम उठ सकते हैं। आप भी गिर गई थी? हाँ, मैं भी गिर गई, मैं भी मतलब इतनी ना दबी, सारी दब गई मैं, यही भैया। आपको चोट लगी कहीं? चोट मेरे पैर में लगी, दवाई एक्स्ट्रा करा के आई हूँ, पैर को देख के गई। कुछ आया एक्सीडेंट? नहीं, वैसे कुछ नहीं आया, वैसे गुम चोट आई। हाँ, दवाई लेके आई भी कैसे में, यही हुआ। आपकी दो पड़ोसी महिलाओं की मौत हो गई है? हाँ, दो पड़ोसी मेरे मेरे साथ ही, बेबी मेरे साथ ही दबी, वे पीछे ही मैं आ गई। चार, हम चार जनी दबी पूरी संगत में, चार लड़े से दबी हम, दो मर गई हम, दो बच गए। कब से जानती हैं आप इन बाबा को, कब से आना जाना शुरू हुआ आपका, कैसे आप संकर उनके संपर्क में आई? मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत सी खराब रही, तो ये न कहीं के उसमें जुड़ जा तू सही हो जाएगी, तो मैं ऐसे इस वजह से जुड़ गई, जान लगी, तीसरा महीना चला मुझे। तो जो तबीयत खराब थी उसमें कुछ आराम हुआ? आराम तो मुझे हुआ, क्यों झूठ बोलती हूँ, आराम मुझे बहुत हुआ। हाँ, जब इस वजह से मैं जान लगी इनकी, चलो आराम मिल लो मुझे, तो उनकी जान लगूँ, ऐसी थोड़ी पता हुई कि ऐसी दुर्घटना आ जाएगी अचानक, पब्लिक बहुत ही भीड़ ज्यादा आई विशेष में समझो। तो बाबा कुछ बताते हैं क्या कि क्या करना है कैसे? कुछ नहीं बताते हैं, कोई एक रुपया की कोई दवाई गोली भी नहीं देते हैं, कोई ऐसा खर्चा नहीं बताते, कोई खर्चा नहीं है उनका, मतलब यही है जाना बस, अपना किराया भाड़ा यही लगता है बस, इन और कोई परेशान वो ना बताऊँ, पहले खर्चा है करो ना, कुछ नहीं बताते हैं। फिर से जाएंगी आप? नहीं, अब नहीं जाऊँगी। अब नहीं जाएंगी? नहीं, अब नहीं जाऊँगी, मुश्किल थे तो बची हूँ, अब नहीं जाता, मैंने सुना दूसरा जन्म लिया मैंने, अब नहीं जाऊँगी कभी भी, अपने जो घर है अपने घर ही रहूँगी कभी। बीमारी ठीक होगी क्या करेंगे जाके? अब सही सही अब घर ही नाम ले लूँगी और अब जाऊँगी नहीं। जब पूजा करेंगे अभी भी पापा? नहीं, पूजा कोई नहीं, पूजा नहीं है घर पे, कोई पूजा कोई ना, पूजा नहीं है उनकी, एक रुपया की भी खर्चा नहीं है, ना पूजा ना पत्री कुछ नहीं, एक नाम ले लो बस उनका। बाबा को मानती रहेंगी लेकिन अभी भी आप? मानती रहूंगी चाहे नहीं मानती रहूंगी, पर मैं जाऊंगी नहीं, तो मैं सही बताऊंगा। तो ये वो लोग हैं जो सूरजपाल नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में पहुंचे थे, ये उनके परिजन हैं। इनका कहना है कि इनको बहुत नाराजगी है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि बाबा में जो आस्था थी इनकी वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि इसमें बाबा की कोई गलती नहीं है। हालांकि कई लोगों का मानना है कि बाबा की गलती है, अगर उनमें कोई शक्तियाँ थी तो वो इतने सारे जो लोग मरे हैं, 121 लोगों की मौतें हुई हैं, उन्हें वो क्यों नहीं बचा पाए। इसके अलावा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाबा अगर सही हैं तो वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, अब तक वो भागे हुए क्यों फिर रहे हैं, क्यों छिपे हुए हैं, वहीं FIR में उनका नाम नहीं है, इसको लेकर भी लोगों के तमाम सवाल हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या बाबा के खिलाफ कोई FIR दर्ज होगी, क्या जो उनके भक्त थे, जिस तरह से अभी भी देखने को मिल रहा है कि उनके भक्तों की आस्था बाबा में बनी हुई है, क्या उसमें कोई कमी आएगी, ये अब सब चीज़ें देखने वाली होंगी। मैं अवधेश कुमार, पलवल से newslaundry.com के लिए। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।